नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे फोटोशॉप की हेल्प से फोटो को स्कैन कैसे करते हैं प्रिंटर से, स्कैन किए हुए फोटो को प्रिंटर से कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कैसे करते हैं। इससे पहले ये देख लीजिए प्रिंटर में स्कैन के लिए फोटो को कैसे रखते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ देखिए प्रिंटर दिख रहा होगा, प्रिंटर देखिए चालू है, यहाँ ग्रीन लाइट जल रहा है, प्रिंटर चालू है। फोटो को प्रिंटर में स्कैन के लिए कैसे रखते हैं तो चलिए देखिए, यहाँ देखिए आपको फोटो दिख रहा होगा, फोटो को फोटोशॉप की हेल्प से स्कैन करेंगे प्रिंटर से और कंप्यूटर में सेव करेंगे फोटो को। प्रिंटर में फोटो को स्कैन के लिए कैसे रखते हैं तो चलिए देखिए, यहाँ देखिए आपको फोटो दिख रहा होगा, यहाँ देखिए इसको इस तरह से कर देना है, यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रिंटर की स्क्रीन, प्रिंटर के स्क्रीन पे इस तरह से फोटो को रखना है और इसको इस तरह से कर देना है। प्रिंटर में फोटो को स्कैन के लिए रख दिए हैं, अब चलिए समझते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ देखिए दिख रहा होगा कंप्यूटर के स्क्रीन, फोटो को फोटोशॉप की हेल्प से स्कैन करेंगे। यहाँ देखिए दिख रहा होगा फोटोशॉप, इस पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, एडोब फोटोशॉप 7.0 ओपन हो रहा है, एडोब फोटोशॉप 7.0 ओपन हो गया है, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है कंप्यूटर में। यहाँ आपको दिख रहा होगा फाइल का ऑप्शन, इस पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, फाइल के ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंपोर्ट, इंपोर्ट के ऑप्शन पर कर्सर को ले जाएंगे तो राइट साइड में देखिए कई ऑप्शन देखने को मिल रहा है, देखिए राइट साइड में कई ऑप्शन देखने को मिल रहा है, PDF इमेज इप्सन L3210 सीरीज, WIA इप्सन L3210 WIA सपोर्ट। दोस्तों आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी प्रिंटर कनेक्ट किए होंगे उसको ऑन कर लेना है, उसके बाद ही यहाँ प्रिंटर देखने को मिलेंगे। फिलहाल मेरे कंप्यूटर में ये प्रिंटर कनेक्ट है, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी प्रिंटर कनेक्ट किए होंगे यहाँ देखने को मिलेंगे। मेरे पास इप्सन का प्रिंटर है तो यहाँ इप्सन L3210 सीरीज देखने को मिल रहा है, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी प्रिंटर कनेक्ट किए होंगे यहाँ देखने को मिलेंगे, WIA इप्सन L3210 सीरीज पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है कंप्यूटर में। यहाँ देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है कंप्यूटर में। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा स्कैन यूजिंग इप्सन L3210 सीरीज, व्हाट डू यू वांट टू स्कैन, उसके बाद देखिए सिलेक्ट एन ऑप्शन बिलो फॉर द टाइप ऑफ पिक्चर यू वांट टू स्कैन, यहाँ देखिए कई ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिस डॉक्यूमेंट को फोटो को या सिग्नेचर को स्कैन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को फोटो को या सिग्नेचर को कलर में स्कैन करना चाहते हैं या ग्रे स्केल में स्कैन करना चाहते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैन करना चाहते कर सकते हैं, उसके बाद देखिए कस्टम सेटिंग पर क्लिक करके भी स्कैन कर सकते हैं। फिलहाल एक फोटो को स्कैन कर रहे हैं, फोटो को कलर में ही स्कैन करेंगे तो कलर पिक्चर पर चेक मार्क रहने देते हैं, उसके बाद देखने को मिल रहा है तीन ऑप्शन, प्रीव्यू स्कैन कैंसिल, पहले प्रीव्यू पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके देख लेते हैं कि किस तरह से फोटो स्कैन होंगे प्रिंटर से, तो प्रीव्यू पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दिए हैं। इसी तरह से फोटो स्कैन होंगे प्रिंटर से तो यहाँ स्कैन पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे। फोटो स्कैन हो गया है प्रिंटर से, यहाँ देखने को मिल रहा होगा फोटो, अब फोटो को क्रॉप करेंगे, फोटो को देखिए चारों साइड व्हाइट एरिया है, इसे हटाना है, इसे हटाने के लिए यहाँ देखिए क्रॉप टूल दिख रहा होगा, क्रॉप टूल पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, देखिए क्रॉप टूल सिलेक्ट हो गया है, उसके बाद यहाँ माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके इस तरह से ड्रैग करेंगे, चारों साइड अच्छी तरह से फोटो को सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ सही वाले सिंबल पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से इंटर बटन को दबा देंगे, कीबोर्ड से इंटर बटन को दबा दिए हैं, देखिए फोटो क्रॉप हो गया है, उसके बाद इसे हम सेव करेंगे। इस फोटो को सेव करने के लिए यहाँ देखिए आपको फाइल दिख रहा होगा, फाइल पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन, सेव पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। जिस फोटो को फोटोशॉप की हेल्प से स्कैन किए हैं प्रिंटर से उस फोटो को डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो लोकेशन में डेस्कटॉप चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा फाइल लेंथ, इस बॉक्स में माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ इसको हटा देंगे कीबोर्ड से बैक बटन को दबा करके, राजू फोटो कीबोर्ड से टाइप कर दिए हैं इस बॉक्स में, जिस फोटो को फोटोशॉप की हेल्प से प्रिंटर से स्कैन किए हैं उस फोटो को राजू फोटो नाम से कंप्यूटर में सेव करेंगे, राजू फोटो इस बॉक्स में टाइप कर
कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा फॉर्मेट जेपीजी रहने देना है, अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं इस पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके। फिलहाल साथियों हम इसे जेपीजी ही रहने देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन, सेव पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ ओके पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे। देखिए फोटो सेव हो गया है, यहाँ आपको दिख रहे होंगे। देखिए फोटो सेव हो गया है डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, यहाँ आपको फोटो दिख रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे फोटोशॉप की हेल्प से फोटो को स्कैन कैसे करते हैं, प्रिंटर से स्कैन किए हुए फोटो को कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कैसे करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।